हेलो दोस्तों, वेलकम टू भवी का व्लॉग। भवी जो है वो बहुत अच्छी है, मस्त है, और आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में, है ना। पता तो चल गया होगा आपको, ये पहाड़ियाँ देख के, वो नाशपति का पेड़ देख के, है ना। तो मैं घर तो काफ़ी टाइम पहले से आ गई थी, पर हुआ ये कि थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा था। फिर जब तबीयत खराब होती है तो फिर कुछ भी काम करने का जो है ना मन करता ही नहीं है, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, और आज इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ, ये वाली फीलिंग आ रही है आज। इससे पहले भी मैं काफ़ी शॉट ले रही थी, बट मुझसे लिए ही नहीं जा रहे थे, बार बार मैं चुप हो जा रही थी, ऐसा हो रहा था। और यहाँ पे जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी, अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है। ठीक तो मतलब क्या, गर्मी तो है, पर ये कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप आ गई है। मैं नहा के आई थी जस्ट, और बाल गिले थे तो सोचा कि बालों को थोड़ा सुखा भी लूँ, और थोड़ी देर आज आपसे बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जो है ना मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था, ना किसी का व्लॉग देखा है, तो ऐसा हो गया था। ऐसी सी बातें हैं दोस्तों। बाल जो है ना अभी गीले हैं मेरे, सूख जाएंगे थोड़ी देर में। गरीब बालों में ये थोड़ी दिक्कत होती है, बट नहीं, मेरे बाल थोड़े ऐसे हैं कि वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि पतला है ना हेयर, इसलिए। तो आज जो है ना मेरा मन खुश है, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, इसीलिए आज व्लॉग बना रही हूँ इतने दिनों बाद। अच्छा लग रहा है आज मुझे, जब मन खुश होता है ना तो काम करने का मन भी तभी करता है ना। तो देखो पहाड़ों पे ना कितनी सारी ग्रीनरी हुई है, मेरे पीछे वाली पहाड़ियों पे आपको दिख ही रहा होगा। आजकल बरसात में तो ऐसा होता ही है, बट बहुत से टूरिस्ट आते हैं ना हिमाचल में घूमने के लिए, उनको ये जो ग्रीनरी है ना यही अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब जब हम यहाँ के लोग हैं, हमें भी ये ग्रीनरी बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी हो, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो वहाँ पे तो मुझे अच्छा लगता है। और हमारे घर के चारों तरफ भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपने देखी होगी व्लॉग में, है ना। ऐसी सी बातें हैं, हल्की हल्की सी धूप भी लग रही है अब, पर मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने ना कल एक बात सीखी कि YouTube पे ना बहुत से लोग आपको जो है डिमोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, पता नहीं वो जलते हैं आपसे तब डिमोटिवेट करते हैं कि उनका काम ही यही है, पता नहीं। तो ऐसी सी बातें हैं दोस्तों, बाकी मैं बहुत पॉजिटिव रहूँगी। अब कुछ दिनों से थोड़ा सा हो गया था, बट अब नहीं, अब मैं चिल करके व्लॉग बनाऊँगी, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वो सब दिखाऊँगी, क्योंकि मैं दूसरों के बोलने से नहीं चलती, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे फील होता है, मैं उसे एक मेमोरी के तौर पर यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, ताकि आने वाले टाइम में मैं उसे भी देख सकूँ और अच्छा फील कर सकूँ। मेरा यही एक मोटिव होता है यूट्यूब पे वीडियो डालने का, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ की छोटे छोटे मोमेंट को कैच करना, उसमें डालना, ताकि आने वाले टाइम में भी हम अपनी ओल्ड वीडियोस देख सकें, तो मुझे ऐसा होता है। बाकी मैं कभी भी किसी की वीडियो पे कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करती, कभी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती, कुछ भी ऐसा मेरा सीन नहीं होता है। बाकी कुछ लोग होते हैं ऐसे, पता नहीं, उनको शायद बहुत अच्छा लगता होगा, तो चलो जिसको जो जैसा अच्छा लगे वो वैसा कीजिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। चलिए दोस्तों, आप लीजिए ग्रीनरी का मज़ा, मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी अच्छी अच्छी ये देखिए, ये जो है ना घर के पास वाला व्यू है, अभी तो आसमान में आपको बादल ही दिख रहे होंगे, ये देखिए दूर की पहाड़ियाँ, हल्की हल्की सी ना इस टाइम पे धूप निकल आती है, हल्की हल्की सी, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी। मेरा घर जो है ना चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है, और ये ग्रीनरी ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है, सच्ची में बताऊँ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे इस ग्रीनरी को देख के, फील करके, तो थैंक यू इस ग्रीनरी का। और ये देखो नाशपति का पेड़, अभी मैंने जिक्र किया ही था आपसे नाशपति का, ये देखिए नाशपति जो है ना ऑलमोस्ट पक ही चुकी है, ये देखो, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है इधर, है ना। लो दोस्तों नाशपति खा लो, जिसे इसको खानी है। तो दोस्तों ये था मेरा मिनी व्लॉग,
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।